कोटा की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने नगर निगम पर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, देर रात को टीम ने नगर निगम दक्षिण के स्वास्थ्य निरीक्षक को 15,000 की रिश्वत लेते किया ट्रैप। आरोपी शिवराज पवार ने परिवादी से बिल्डिंग निर्माण में बाधा नहीं डालने की एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। एसीबी के सीआई अजीत बागदोलिया ने बताया कि परिवादी ने 1 नवंबर को एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि गुमानपुरा क्षेत्र में उसकी एक बिल्डिंग है जिसका थर्ड फ्लोर लीज पर दिया हुआ है। लीज धारक द्वारा बिल्डिंग की छत पर फैब्रिकेशन और टीन शेड का काम करवाया जा रहा है। स्वास्थ्य निरीक्षक शिवराज ने निगम के एक व्यक्ति को भेजकर काम रुकवा दिया और निगम कार्यालय में आकर मिलने को कहा। परिवादी जब शिवराज पवार से मिला तो उसने 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी, लेकिन सौदा 45,000 में तय हुआ। परिवादी की शिकायत के गोपनीय सत्यापन में रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एसीबी की टीम ने ट्रैप का जाल बिछाया। आरोपी ने रिश्वत की रकम के साथ परिवादी को गुमानपुरा पेट्रोल पंप के पास बुलाया, फिर परिवादी को अपने पीछे पीछे सूरजपोल गेट के पास गली में आने को कहा। उसने अपने मोटरसाइकिल के बैग में रिश्वत की रकम 15,000 रुपए रखवाए और वहां से रवाना हो गया। जैसे ही परिवादी ने रिश्वत की रकम उसे दी, इशारा मिलते ही एसीबी ने उसे पकड़ लिया। टीम ने उसके पास से रिश्वत की 15,000 रुपए की रकम जो है वो बरामद कर ली। वहीं आरोपी स्वास्थ्य निरीक्षक शिवराज को गिरफ्तार कर उसके घर और अन्य ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। परिवादी ने हमें शिकायत दी थी कि उसका गुमानपुरा में एक बिल्डिंग है जिसकी तीसरी मंजिल उसने लीज पे दे रखी है और लीज धारक तीसरी मंजिल की छत पे फैब्रिकेशन और टिन शेड लगवाने का कार्य कर रहा था। तो उसके कार्य को जो नगर निगम दक्षिण के स्वास्थ्य निरीक्षक शिवराज पवार है, उसने एक आदमी भेज कर रुकवा दिया और शिवराज पवार से मिलने के लिए कहा। इस पे परिवादी जो है स्वास्थ्य निरीक्षक से जाके मिले तो उसने जो वहाँ पे निर्माण कार्य चालू रखने के लिए 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग की। इस अब जो परिवादी की शिकायत थी, इस पर हमने कल रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया। तो आरोपी जो स्वास्थ्य निरीक्षक है, उसने परिवादी से 50,000 रुपये मांगे। इस पर आज ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया और वहाँ से चला गया। इस पर हमने जो आरोपी का पीछा करके आरोपी के घर से आरोपी को पकड़ा और जो रिश्वत राशि है वो मोटरसाइकिल के बैग में रखी हुई थी वो बरामद की मौके पर।